Hello students, welcome to Vinshita classes. Today's our topic about on prime factorization by division method. आज मैं आपको division method से prime factor find करना बताऊंगी. Same process है but थोड़ा सा उसको division के अंदर कर दिया गया है. देखिए 16 है हमारे पास, तो 16 को हमें क्या करना है, prime number से divide करना है और separate करना है. देखिए 16 2 की टेबल से डिवाइड किया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 8 16, देन फिर से डिवाइड करेंगे, 8 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 8, देन अगेन 2 2 4, नेक्स्ट 2 1 2. अब हम क्या करेंगे, फैक्टर हमने फाइंड किए हैं 16 से. देखिए 1 2 3 4, 2 कितने टाइम आया, 4 टाइम. मल्टी करके चेक कर सकते हैं आप, 2 2 4 4 2 8 8 2 16. नेक्स्ट 44 है. देखिए 44 के फैक्टर फाइंड करेंगे, वो 2 की टेबल से डिवाइड हुआ, 2 2 4 2 2 4, देन अगेन 2 1 2 2 1 2. अब देखिए 11 है, 11 2 का डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, देन 11 से होगा. Why? Because 11 is prime number. तो 11 की टेबल से ही डिवाइड हुआ, 11 1 11. तो 44 के फैक्टर क्या हुए, 2 मल्टी 2 मल्टी 11. देखिए 2 2 4 4 को 11 से मल्टी करेंगे, देन 44. देखिए अब नेक्स्ट, देखिए 126 के बना रहे हैं हम, 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 6 12 2 3 6. नेक्स्ट 3 का डिविजिबल होगा ये, 3 2 6 3 1 3. आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता इस टाइप से आप डिवाइड कर लीजिए, 63 3 2 6, देन 3 1 3. रिमाइंडर जब हमारा 0 बच जाए. नेक्स्ट 21, 3 के टेबल का डिविजिबल ये है, 3 7 21 एंड 7 1 7. तो 126 के फैक्टर हुए हमारे 2 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 7. नेक्स्ट 148, देखिए 148 के फाइंड करेंगे हम, 2 की टेबल से डिविजिबल है ये, 2 7 14, 2 4 8, देन 2 3 6, 2 7 14. अब देखिए 37 किसी के टेबल पर नहीं जाएगा, बिकॉज 37 इज प्राइम नंबर. तो 37 1 37. तो 148 के फैक्टर हुए हमारे 2 मल्टी 2 मल्टी 37. जब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस फाइंड करने के लिए दिए जाएं प्राइम फैक्टराइजेशन के, अगर आपको बोला गया है कि आपको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है या फैक्टर ट्री से सॉल्व करना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे. अगर आपको कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये बोला है कि फाइंड प्राइम फैक्टर, तो आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो जो आपको इजी लगे, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस फाइंड करने के लिए दिए जाएंगे, आप उन्हें सॉल्व करेंगे. यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे. थैंक यू.